अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम आपके लिए बहुत ही इजी चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे और यहाँ पे 6 से 7 अदद हरी मिर्च लेंगे। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने लिया है 750 ग्राम, ये ऐड कर देंगे और चिकन को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर जो फ्लेम है ये हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून, ये ऐड करेंगे और साथ हम यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे, 2 अदर टमाटर लेंगे, ये ऐड कर देंगे। इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे कवर करेंगे और कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके कुक किया है तो अच्छी तरह से जो टमाटर हैं ये गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, फ्लेम लो रखेंगे, दही लेंगे, ये मेरे पास है 1 कप, ये ऐड कर देंगे और इसके साथ हम ऐड कर देंगे नमक, ये हम लेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पर हम लेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, साथ हम यहाँ पर लेंगे क्रश किया हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, साथ हम यहाँ पर लेंगे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हम तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम यहाँ पर कवर उठाएंगे। दरमियान में हमने इसे 1 से 2 दफ़ा चेक भी किया है। अब यहाँ पर जो हमने हरी मिर्च फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ कट की हुई हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और प्लेट आउट करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर लेमन जूस लेंगे, ये मेरे पास है 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इजी मेथड से चिकन कढ़ाई बन के बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर।